सकती है। मैं आप पुरुषों को भी बोलना चाहूँगा, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे यदि जीवन में संतोष होगा तो। रामायण के उत्तरकांड की एक बड़ी सुंदर चौपाई है, बिन संतोषन काम न साई, काम अक्षत सुख सपने उनाई। जब तक जीवन में मांगे होंगी तब तक सुख का अनुभव नहीं हो सकता, और इन मांगों को काटने के लिए संतोष रूपी कुल्हाड़ी चाहिए। अपने जीवन से संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए। मैं बहनों को कहना चाहूंगा, कभी कभी आप भी संतुष्ट नहीं, पति ऐसा मिल गया, हमने कहा कैसा मिल गया, ठीक है ना, आए हमने कहा तो खजूर का पेड़ तो बड़ा लंबा होता है, ये मुझे ऐसी बातें करती हैं आके, थोड़ा वो पियर में आते हैं तो सहेलियाँ मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं बामनिया देव बामनिया देव बामनिया देव बामनिया देव, ऐसी बातें हम कह देते हैं, ये समझ लो कि बामन भगवान ही आ गए हैं, क्या दिक्कत है, अपने आप को समझा लो। तो कहेगा ना कारे ज्यादा है, लड़ाकू है, हमारी बात नहीं मानते। महाराज जी कोई मंत्र दे दो ये हमारी बात माने, तो ऐसा मंत्र दिए देता हूं जो तुम्हारी परिक्रमा करे है? आप संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? ये पीतल तांबे के बर्तन नहीं है, सो मुरादाबाद के बाजार से पीतल के बर्तन बदल के ले आओगे? संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए, पुरुषों को भी और मातृशक्ति को भी, ये आपके जीवन की आठवीं भक्ति बन जाएगी। मुझे दुनिया का तो पता नहीं, मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट हूं, कलेजे पर हाथ रख के कह रहा हूं, बहुत ज्यादा संतुष्ट। एक ज्यादा होता है एक बहुत ज्यादा होता है, तो मैं बहुत ज्यादा की बात कर रहा हूं। आप अपने जीवन से संतुष्ट होने की कोशिश कीजिए, संतुष्ट होइए तो ये आठवीं भक्ति बन जाएगी। और मुझे विश्वास है कि प्रभु राम के मुख से निकले हुए इस सूत्र को आप ग्राह्य करेंगे। मैं अपनी बूढ़ी माताओं को कहूंगा, ये लड़ाकू भी घर में बहू आ गई है तो भी ऐसा सोच लेना कि मेरे कर्म प्रारब्ध में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था, तो ऐसा कहकर के अपने आप को समझौता कर लेना। बहनों को कहना चाहूंगा कि थोड़ी डोकरी भी लड़ाकू, देखो ये डोकरियां लड़ाकू होती नहीं, उनका थोड़ा स्वभाव ऐसा होता है और आप समझ नहीं पाते हैं। अब ये 10-5 साल के तो मेहमान है, आखिर में राज्य तो तुम्हारा ही है फिर, हाँ तो अब 5 साल तो हमारी सीता माई ने तो 14 साल निकाल ली, आपको 5 साल नहीं निकलती है, है? इतनी शिकायत करेंगी मम्मी से पापा से, इतनी जा करके शिकायत करेंगी, नहीं ये छोड़ दीजिए। आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है, और बड़े दिन में अपने हृदयों को बड़ा बनाइए, छोटा नहीं, बड़ा उदार बनिए, विशाल बनिए, बनाइए।